विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। आज 15 अगस्त का महामंगलकारी दिन पर्वादिराज परिषद महापर्व का प्रारंभ हो चुका है। आज कई सारे हमारे धर्म प्रेमियों को, शासन रागियों को, किसी ने आज उपवास किया होगा, किसी ने एम्बिल, किसी ने अट्ठाई का प्रारंभ किया, किसी ने अट्ठम का प्रारंभ किया होगा, किसी ने एकाशना ब्याशना किया होगा। रोज कभी भी नौकारसी नहीं करने वाले ऐसे भी महानुभाव हो गए कि जो आज सुबह उठ के जिन्होंने नौकारसी और अब चौयार का पचखान किया होगा, सुबह शाम का आपने प्रतिक्रमण किया होगा, आज आपने सामयिक भी की, भगवान की पूजा की, बिल्डिंग में, घर में, सोसाइटी में आप भगवान लेकर आए, और मंदिरों में सब तो नहीं जा सकते इसलिए घर को ही अपने मंदिर बना दिया। सच में आपकी मैं तहे दिल से अनुमोदना करता हूँ। और आज जिन जिन्होंने जो भी छोटी बड़ी तपस्या की, यहाँ तक कि जिन्होंने नौकारसी और चौयार का भी तप किया, जिन्होंने आज और कुछ नहीं तो आज एक दो टाइम का, एक टाइम का प्रतिक्रमण किया, आज एक खत सामयिक की, आज गरीबों को दान दिया, जीव दया का कार्य किया, आपने जो जो भी कुछ अच्छा नेक काम किया है, आप साधना की है, जप माला आपने आज गिनी, नौकार का जाप किया, जो भी कुछ आपने किया, इन सब की मैं तेरे से अनुमोदना करते हुए सभी तपस्वियों को मैं पूछता हूं, क्या आप सभी सुख शाता में हो? हाँ, देव गुरु पसाए, देव और गुरु की कृपा से ही तो आज हम सब सुख शांति और संपन्नता पूर्वक, समाधि पूर्वक, समृद्धि से हम अपने अपने परिवारों में सुखी है, हम सुरक्षित है, क्योंकि इसमें देव और गुरु के आशीर्वाद काम कर रहे हैं। आज 15 अगस्त का भी दिन और साथ में आज परिषद पर्वादिराज का भी प्रारंभ, ये दोनों दिन हमारे लिए ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ जैनियों के लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं। हमारे परमात्मा महावीर स्वामी जी के इस जिन शासन के अंदर ये परिषद पर्व निश्चित रूप से हमें करना होता है। पहले और अंतिम तीर्थंकर यानी भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी जी के शासन में परिषद पर्व होते हैं, बाकी के बीच के 22 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में, अजितनाथ भगवान से लगाकर भगवान पार्श्वनाथ तक के जिन शासन में, उनके अलग अलग तीर्थंकरों के शासन में पर्युषण पर्व नियत नहीं होता है, ऐसे कल्प सूत्र में लिखा गया है। लेकिन हमारे लिए तो महत्वपूर्ण इसलिए, भले अशाश्वत होते हुए भी ये पर्युषण हमारे इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस परिषद में हर छोटे छोटे बच्चे से लगाकर बुजुर्ग तक सभी को अंदर से दानशीलता भाव धर्म का उछाला होता है। नहीं नहीं, मैं अब इस बार ये तप करूंगा, नहीं नहीं मैं रोज प्रतिक्रमण करूंगा, नहीं नहीं मैं रोज अष्टभकारी पूजा करूंगा, अरे नहीं मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा, मैं पौषध धर्म की आराधना करूंगा, कुछ ना कुछ अंदर से भाव उमड़ते हैं कि नहीं, परिषण आ गए, चलो तमें सुनजो साजन संत पजुषण आव्या छे, तमें पुण्य करो पुण्यवंत भविक मन भाव्या छे, पुण्य करो, बहुत पाप कर लिया हमने पूरे साल भर में, ये 8 दिन हमारे लिए पुण्य कमाने के दिन है, ये 8 दिन कर्म निर्जरा के दिन है, प्रभु की आज्ञा, भगवान की आज्ञा, गुरु भगवंत की आज्ञा और शास्त्र की आज्ञा पालन करने के ये दिन आ चुके हैं। इन दिनों में हमें हमें कोई पाप नहीं करना है, 8 दिन, सिर्फ 8 दिन, हो सके तो टीवी का त्याग करो, हो सके तो एसी का त्याग करो, हो सके तो आप गादी टकिए का त्याग करो, संथारे के ऊपर ब्लैंकेट के ऊपर सो जाओ, सुखशीलता का त्याग करो, हो सके तो आप कम से कम पानी का इस्तेमाल करो, कम से कम लाइट का इस्तेमाल करो, कम से कम हिंसा करो, लिफ्ट का त्याग हो सके तो करो, दिन में एक आध बार तो त्याग कर सकते हैं, नीचे उतरते उतरते भी आप लिफ्ट का त्याग कर सकते हैं, चढ़ने में दिक्कत होती है, कुछ नहीं, जब भी उतरना है तो बिना लिफ्ट में मैं नीचे उतरूंगा, कुछ भी छोटा बड़ा नियम इन 8 दिनों में आप ज्यादा धर्म नहीं भी कर सके तो कम से कम घर में रहे हुए आप पाप तो कम से कम करो, लीलोत्री का त्याग करो, कोई भी हमको यानी कि हरी सब्जी वगैरह खाना नहीं है, फ्रूट वगैरह 8 दिन के लिए त्याग करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। ये 8 दिन एक बार चले गए, वापिस ऐसा पुण्य भंडार भरने का अवसर वापिस अगले साल, वो भी हमें कोई पता नहीं है, कोई अता पता नहीं कम हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि कोरोना के इस सीजन के अंदर जहां पर कोरोना का साम्राज्य बढ़ रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि न गाती है न गुनगुनाती है, न वो गाती है न गुनगुनाती है, वो मौत
तो चुपके से चली आती है, कब आती है और कब किसी को लेके जाएंगी पता नहीं है। यही समझना कि ये मेरे जिंदगी का आखिरी परिश्रम है तो मुझे बहुत ही उल्लास के साथ ये परिश्रम करना है। जो कल मैंने आपको बताया था कि परिश्रम के पहले दिन से पांच कर्तव्य का प्रारंभ, क्या आपको पांच कर्तव्य पता है? पांच कर्तव्य में सबसे पहला अहिंसा का पालन करना है और करवाना है। जहां जहां भी कत्ल खाने चल रहे हैं, जहां जहां भी मत्स्य उद्योग चल रहा है, जहां जहां भी पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं, जहां जहां भी ये मीट एक्सपोर्ट हो रहा है और वह हर तरह से हमें हर जीव की रक्षा करनी है। बड़े बड़े जीवों से लगाकर छोटे छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की भी हमें रक्षा करनी है। यह पहला कर्तव्य आज से प्रारंभ हो रहा है। आपसे जितना हो सके, इतनी सारी पांजरा पोल हमारे हिंदुस्तान में चल रही है और यह सब काटने वाले काट रहे और बचाने वाले बचा रहे हैं। कैसे इन जीवों को बचा रहे, कैसे संभाल रहे, मुझे भी पता है। हमने भी पालीतला के अंदर कम से कम 2 साल तक 500 से ज़्यादा पशुओं की हमने पांजरा पोल चलाई थी और लेकिन कारणवश वापस हमें वो पांजरा पोल दूसरे बड़ी पांजरा पोल में अर्पण करनी पड़ी तबियत की वजह से, कारण वजह से। लेकिन हमारा संकल्प जरूर था कि हमें अपने शत्रुंजय गिरिराज को हिंसा मुक्त करना है। वहां पर हमारे शत्रुंजय जैसे पवित्र हमारे पालीतला के अंदर जो दादा आदिनाथ की परम पावन भूमि है और वहां पर देखो तो आप आज की तारीख में भी वहां पर कत्ल खाने चल रहे। 5 साल तो हम बहुत लड़े, आगे भी लड़ते रहेंगे। ये मेरा मकसद है, ये मेरा टारगेट है। रोज आप इस पट्टी के अंदर आप पढ़ते रहते हो, व्याख्यान की पट्टी नीचे चलती रहती है और उसमें आप पढ़ते हो कि हिंसा मुक्त पालीतला, आशातना मुक्त पालीतला, गरीबी मुक्त पालीतला, गुना मुक्त पालीतला, स्वच्छ पालीतला, सुंदर पालीतला और ये ऐसा पालीतला हमें बनाना है, कसाई मुक्त पालीतला। एक भी कसाई हमारे पालीतला में नहीं चाहिए, यानी कि एक भी जीव की हत्या नहीं चाहिए। हमारे शत्रुंजय नदी के अंदर रोज हजारों मछलियां पकड़ी जाती है, मारी जाती है, काटी जाती है, खाई जाती है। नहीं, इन सभी को हमको बंद करवाना है और इसलिए हम सभी को इस आंदोलन में साथ देना है। बेचारे जो उस पालीतला जैसे इतने पवित्र हमारे तीर्थ में देखो तो यहाँ वह भटकते पशुओं की क्या दुर्दशा है। वो जो छोड़ने वाले ऐसी रास्ते पे छोड़ देते हैं, दूध नहीं देती है वो गाय, और इसलिए जिस गाय को हम गौ माता कहते हैं, जिस गौ माता की आरती उतारी जाती है, जिस गौ माता को हिंदू संस्कृति के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का निवास स्थल माना जाता है, जिस गाय के गोबर में भी लक्ष्मी का वास माना जाता है, जिस गाय माता का हम दूध पीते हैं और वही गाय, वही बैल, वही बछड़ा, वही सांड, इन सभी को रास्ते पे छोड़ा जाता है और फिर वो बेचारे यहां वहां तड़प तड़प के कचरा खा खा कर पॉइजन होता है, फिर वो मर जाते हैं। इस विषम स्थिति के अंदर इन सभी कम से कम हमारा शाश्वत तीर्थ है और शाश्वत तीर्थ में तो ऐसा ना हो। हम ऐसे तो कितने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, बड़े बड़े उद्यान, नवानु संघ, चौमासा, क्या क्या नहीं करवाते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं, बड़े बड़े अंजन शलाका के उत्सव महोत्सव होते हैं, गुरु भगवंतों की वहां पर देखो तो अब कितनी पदवियां होती है, इतने सारे सैकड़ों गुरु भगवान और देखो तो लाखों यात्रिक वहां पर आते जाते रहते, करोड़ों रुपए का खर्च होते हुए भी एक प्रश्न चिन्ह है, फिर हमारे पालीतला में हिंसा क्यों? ऋषिकेश हरिद्वार में देखिए, ये हिंदू तीर्थ है तो हिंदू तीर्थ में रहने वाले उन हिंदुओं को मैं सलाम करता हूं कि जिन्होंने वहां पर सुप्रीम कोर्ट से लड़कर भी और वहां पर एक कानून पारित करवाया कि आज ऋषिकेश हरिद्वार में आप देखना सुप्रीम कोर्ट 2004 का वो एक चुकादा है, वो एक कानून पारित हो चुका है कि ऋषिकेश हरिद्वार जैसे हिंदू तीर्थ में मांस मच्छी तो नहीं, वहां पर एक अंडा भी कोई बेच नहीं सकता है। खाने की बात तो अलग है, वो तो पॉसिबल है, लेकिन एक अंडा भी वहां पर बेच नहीं सकते हैं। आज भी देखो वैष्णो देवी के अंदर, वैष्णो देवी में कोई कदमूल खा नहीं सकता है। अरे हर एक धर्म के अपने कायदे कानून होते हैं। आप देखो मक्का के अंदर जो मुसलमान अपने मक्का को पाक भूमि मानते हैं और उसी मक्का के अंदर किसी की मजाल के वहां पर शराब पिए, शराब अगर कोई शराब पी तो मैंने एक मुसलमान से पूछा था कि आपके मक्का में किसी ने शराब पिया था क्या करेंगे, उनका जवाब था हम उसे जिंदा दफना देंगे। आप देखो मलेशिया के अंदर एक ऐसा कानून पारित हुआ है कि अगर किसी भी प्लेन को अगर मलेशिया से ऊपर से जाना होगा तो उसमें बैठने वाली कोई भी स्त्री किसी भी जात पात की हो, लेकिन अगर प्लेन अगर हमारे ऊपर से हमारे देश के ऊपर से उड़ेगा तो उसने बुर्खा पहनना पड़ेगा। सब अपने अपने कट्टरता से अपने अपने कायदे कानून बना रहे हैं तो फिर हमारा हमारे हमारे तीर्थ में, हमारे मंदिरों में कोई कायदा कानून क्यों नहीं है?
हम क्यों सब कुछ चला रहे हैं, किस वजह से हम क्यों इतने कायर बन चुके हैं, हमें किसी को कहने में हिचकिचाहट क्यों हो रहा है, क्यों हम उसे नहीं कह सकते, क्यों हम वो कानून नहीं बना सकते हैं, किस लिए नहीं। इतना बड़ा मक्का तीर्थ जिसको मुसलमान जी जान से ज्यादा चाहते हैं, वहां पर नो फ्लाई जोन बना गया, नो फ्लाई जोन, कि मक्का के ऊपर से कोई भी विमान, कोई भी हेलीकॉप्टर, कोई भी रॉकेट कुछ नहीं जा सकता, इंटरनेशनल लॉ पारित करवाया गया। अरे वो अगर अपने तीर्थ के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो फिर हमारे ये शाश्वत तीर्थ के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कायदा कानून कुछ नहीं, जिसको जो मन में आए वो कर सकता है, जिसको जब भी हिंसा करने कर सकता है, अंडे की लारियां खोलने तो खोल सकता है, नॉनवेज की होटल खोलने तो खोल सकता है, हाँ जहां पर कत्ल खाना खोलना है तो घर घर में कत्ल खाने खोल सकते हैं। ये सब कुछ फुटेज मेरे पास है, हमारे कार्यकर्ता लड़ लड़ कर, और उन्होंने इतना सारा काम किया है हमारी प्रेरणा से, लेकिन और भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आपका साथ, आपका सहकार, आपका सहयोग होना जरूरी है। अकेला इंसान नहीं लड़ सकता है, अकेले हाथ से कभी टाली नहीं बजती है, और इसीलिए हमारा काम है मार्गदर्शक, हम मार्गदर्शक है, हमारा काम है आपको उपदेश देना और उस काम को फतेह करना, उस काम को पूरा करना, यह आप श्रावकों का कर्तव्य है। जब अहिंसा की बात आई है तो आज हम कुमारपाल महाराज को याद करते हैं कि 18 देश के अंदर उन्होंने अहिंसा का डंका बजाया, उनके राज्य में, उनके देश में 18 देशों के अंदर कोई मार शब्द भी नहीं बोल सकता था। बोलते हैं ना, एक झापड़ मारू क्या, हाँ तू एक काम कर, मराठी में कहते तू मतलब एक हाक मार, अगर का हाक मार यानी तू मुझे आवाज लगा, हाँ तो ऐसे आप मार शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं कर सकते। ऐसे कुमारपाल महाराज के राज्य में कानून बना था, अब बोल भी नहीं सकते मार शब्द, मारने की बात तो बहुत आगे की बात है। और आज देखो हमारा हिंदुस्तान, देखो हिंदुस्तान, ये जहां पर आज ये हमारा अहिंसा प्रधान देश, ये ऋषि प्रधान खुशी प्रधान देश, और आज आजादी के पहले 1860 में, 1860 में सबसे पहला कत्लखाना कलकत्ता के अंदर अंग्रेजों ने बनाया, और उसके बाद वो सिलसिला कत्लखाने का बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और सिर्फ 1860 से लगाकर और 1905 तक, सिर्फ इतने सालों में, सिर्फ आप समझो 45 ईयर्स में हमारे देश में से 300 करोड़ गौ माता की कत्लेआम कर करके और वेगन भर भर के यहां से वो पूरा मीट इंग्लैंड एक्सपोर्ट किया जाता था। हमारे देश के जो हमारे जो ये पीढ़ नेतागण थे, सबने सोचा कि कुछ भी करो और इस हिंसा को रोको, और तब था कि भारत की आज़ादी के बाद तो कम से कम हम इस हिंसा को जरूर रोकेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भारत के आज़ादी के पहले हमारे देश में 300 कत्ल खाने थे, आज भारत के आज़ादी में, आज़ादी के बाद इन 70 सालों के अंदर आज हमारे देश में शर्म आती है मुझे कहने के लिए, आज हमारे देश में जो हमारा 15 अगस्त का आज का महान दिन जहाँ पर हम भारत माता की जय कहते, और इसी देश के अंदर देखो ये सब जो भ्रष्ट नेता है, और इन्होंने पैसे की लालच में आकर और इन्होंने ये क्या कत्ल खाने को छूट देकर रखी है। पांजरा पोल को वहां पर टैक्स चुकाना पड़ता है और कत्ल खानों को सब्सिडी दी जाती है, पोल्ट्री फार्म को सब्सिडी दी जाती है, और इस तरह से अब हिंसाओं को जो प्रोत्साहन मिल रहा है, धीरे धीरे हमारी प्रजा अहिंसक में से हिंसक बनती जा रही है, और इसकी वजह से ही आज हमारा देश आज हर साल में कोई ना कोई कुदरती आपत्ति के कारण हमारा देश पीछे 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 जा रहा है, क्योंकि इन जीवों की जो हाय है, हाय, इस हाय को हमको भुगतना पड़ रहा है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ पाबंदी नहीं अगर पशु कत्ल पर, क्या भला उस कानून से, पाबंदी नहीं अगर पशु कत्ल पर तो क्या भला उस कानून से, मर मिटेगी सरकार वो हो जो पैसा कमाए खून से, तो ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है। इन पशुओं को भी जीने का अधिकार दिया गया है, हम होते कौन हैं इनकी हत्या करने वाले, और इसीलिए हमको अपना पालीतना हिंसा मुक्त करना है, और वहां से हम शुरुआत करेंगे। पालीतना से शुरू हुई हमारी अहिंसा की यात्रा पूरे विश्व तक पहुंचनी चाहिए, पूरा विश्व हमें अहिंसक बनाना है। भगवान महावीर का संदेश, जीवो और जीने दो, नहीं जरूरत पड़े तो खुद मरकर भी दूसरों को जीने दो। वो मेघरथ राजा याद आते हैं, एक कबूतर को बचाने के लिए उन्होंने अपने हाथ पर काट कर रख दिए, ये होती है अहिंसा। उस अकबर को भी हम याद करते हैं, वो सम्राट अकबर
कि जिसको ये अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं उस अकबर को तो हम पर्यूषण के पहले दिन हम भी याद करते हैं कि जगत गुरु हिरण्यकश्यप महाराजा को पाकर जिस तरह से सम्राट अकबर के जीवन में परिवर्तन आ गया और वो हिंसक में से अहिंसक बन गया। हम पर्यूषण जैसे पहले दिन में अहिंसा का जब प्रवर्तन का जब ये अष्टानी का प्रवचन के अंदर जब उसका उल्लेख आता है तो हमारे शास्त्रों में भी और अकबर का नाम लिखा गया। ये कितनी बड़ी बात है भाई, हम भी तो गुणानुरागी है। देखो हमारा धर्म गुणानुरागी है जिसमें जो गुण है हम किसी के द्वेषी नहीं है, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जहाँ गलत है तो वहाँ हमें भी लगता भी दिल है तो फील है, अगर दिल है तो फील है। कल आने वाले कल परिश्रम का दूसरा दिन और इस दूसरे दिन में भी और हमारा जो कर्तव्य है ये 11 वार्षिक कर्तव्य जो थोड़े में आज बोलता हूँ थोड़े में कल आपको वापस तीसरे दिन के प्रवचन में मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये जो वार्षिक कर्तव्य में से ये सबसे पहला कर संघ की पूजा करना, नंबर 2 साधर्मिक की साधर्मिक वात्सल्य साधर्मिक की भक्ति करना, नंबर 3 है यात्रा त्रिक, नंबर 4 यानी के स्नात्र महोत्सव बहुत ठाट माट से बनाना, और नंबर 5 है कि आपको देव द्रव्य की वृद्धि करना। और इस तरह से जो जो भी कर्तव्य बाकी के और 6 कर्तव्य की बात हम कल सुनेंगे, लेकिन आपके मन को शांत कर दो। पर्वादिराज परिषद महापर्व की अद्भुत आराधना करते रहो, सद्भावना के साथ करो और करावो, सभी को सहायता करो। इसी मंगल कामना और भावना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो शमन भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाद्वाचम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। शिवगंज निवासी स्वर्गीय पूज्य पिता श्री हजारी मल जी सोपा जी, स्वर्गीय मातोश्री मग्नी बाई एवं स्वर्गीय मोहन लाल जी हजारी मल के आत्मश्रेयार्थ, सुश्राविका श्रीमती कांता देवी मोहन लाल जी पाल रेशा परिवार पुणे, कालंद्री निवासी शाह शांति लाल जी पूनम चंद जी राठौड़ परिवार, सुपुत्र इंद्र कुमार संजय कुमार, पुत्रवधु सौभाग्यवती संतोष बेन सौभाग्यवती सुनीता बेन, पौत्र निखिल दर्शन दर्पण, पौत्रवधु सौभाग्यवती प्रीति सौभाग्यवती माधुरी सौभाग्यवती शिवांगी, पौत्री सौभाग्यवती वीणा आनंद जी भंडारी, सौभाग्यवती मनीषा प्रदीप जी जैन, लिटिल स्टार्स धैर्य देवांश धीर आयुष आस्था आर्यन चार्वी ईशा एमरल्ड पुणे, फर्म पूनम इंजीनियरिंग वर्क्स एवं शाहपुरा कॉरपोरेशन पुणे, श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा एवं सागर समुदाय का परम भक्त परिवार पुणे, श्री शत्रुंजय गिरिराज एवं गुरु भक्त परिवार ईशा एमरल्ड पुणे, श्री शत्रुंजय सेवक क्रांतिकारी पूज्य गुरुदेव पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज साहेब प्रेरित, शाश्वत महातीर्थ श्री शत्रुंजय पालीताना जीव दया अभियान में यथाशक्ति अवश्य लाभ लेकर अनंत लाभ प्राप्त करें। अकाउंट डिटेल्स विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 9160200063058333, IFSC कोड UTIB000268 63, पैन कार्ड नंबर AACTV111 0A, ATG अवेलेबल।